देहरादून में 3 ट्रेनी आईएफएस अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि तो पहले ही हो चुकी है। इस बीच में देहरादून होटल में रूम लेकर ठहरने वाले एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। जानकारी के बाद प्रशासन ने पूरे होटल में एंट्री बंद करा दी है। देहरादून के इसी होटल में ठहरी हुई थी वो महिला जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग को जब से खबर मिली है हड़कंप मचा हुआ है। महिला फरीदाबाद की रहने वाली है, वो अपने पति के साथ इस होटल में रुकी हुई थी। महिला के कोरोना से संक्रमित होने की बात तब पता चली जबकि वो वापस फरीदाबाद लौट चुकी है। प्रशासन ने अगले आदेश तक होटल में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही महिला के संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित कर आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। एक महिला थी जो 13-14 तारीख को उस होटल में रही थी और उसके बाद वो वहाँ पर अपने प्रदेश में चली गई थी हरियाणा में, और वहाँ पर वो 19 तारीख को उसको सैंपलिंग टेस्टिंग हुई, वहाँ पर पॉजिटिव हुआ। उनके द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया और भारत सरकार ने, क्योंकि उसकी 2 दिन की हिस्ट्री यहाँ थी, तो भारत सरकार ने तुरंत 19 तारीख को ही हमको यहाँ पर 19 को ही यहाँ पर तुरंत बता दिया था कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी एक महिला 13-14 को रही थी। उसके मद्देनज़र देखते हुए जिलाधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा तुरंत सबको स्क्रीनड आउट किया गया कि कौन लोग थे क्या नहीं थे, और जितने लोग भी थे होटल के सभी को क्वारंटीन करते हुए होटल को बंद कर दिया। महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे होटल को सैनिटाइज कराया, साथ ही होटल के कर्मचारियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दंपति हाल ही में स्पेन की यात्रा कर लौटा है। इसके बाद महिला और उसके पति देहरादून में एक होटल में 9 से 11 मार्च तक ठहरे थे। 11 मार्च को दंपति वापस फरीदाबाद चला गया। इस बीच पता लगा कि महिला में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी सूचना फरीदाबाद के प्रशासन ने देहरादून जिला प्रशासन को दी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम फौरन ही हरकत में आ गई। पुलिस की टीम ने होटल पहुंचकर सबसे पहले विजिटर रजिस्टर खंगाला, उसके बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया जिसमें दंपति ठहरा था। इस बात की भी जांच हुई कि इस दौरान इस होटल में कितने लोग ठहरे हुए थे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में दहशत बढ़ रही है। कोरोना के कहर से देवभूमि को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम तो उठा रही है, लेकिन इसमें आम लोगों का भी सहयोग मांगा जा रहा है जिससे कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सहयोग मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।